वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। आज हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 1 का ज्योमेट्री के। तो ज्योमेट्री में जो टेस्ट है, टेस्ट पेपर को अगर हम लोग देखें तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, और जो हम लोग ने कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ी है जिसमें हम लोग ने एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, फिर आपके सर्कल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें मिला करके जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। इनको एक एक करके हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोगों का, वो है किसी भी त्रिभुज में केंद्रक माध्य रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है और आपको पता भी है कि जो केंद्रक होता है ये ए बी सी, अगर हम कहें तो ए डी, बी ई और सी एफ, तो ये केंद्रक जो होगा ये माध्यिकाओं को 2:1, ये 2:1 और 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। 2 किधर की तरफ रेशियो होगा? वर्टेक्स की तरफ। तो जितने भी वर्टेक्स हैं वहाँ पर 2 होगा और जितने मिड पॉइंट्स हैं उस तरफ 1 होगा। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2:1। तो ये क्या है, ये एक तरह से थ्योरम था, डायरेक्ट थ्योरम से ही हमने जो है आपके सोल्यूशन किया। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल एडीबी और एडीसी क्षेत्रफल में समान हो तो क्या होगा, ये नियम बताना है। ए बी सी, ये है, कह रहा है बी सी पर कोई बिंदु है डी, डी कोई बिंदु है, यहां से उसको मिला दिया। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी बी, ये बराबर है इसका एरिया त्रिभुज ए डी सी के, ए डी सी के, तो ए बी डी ये हुआ और ए डी सी ये हुआ, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है। ये भी क्या है, माध्यिका का ही थ्योरम है। थ्योरम हम लोग ने क्या पढ़ा था, अगर आप देखेंगे तो थ्योरम जो है हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई मीडियंस के, जल्दी फटाफट थ्योरम्स हम लोग जो है एक बार डिस्कस कर लें। ए बी सी, थ्योरम नंबर 1 क्या था, थ्योरम नंबर 1 था कि माध्यिका मध्यबिंदु और सामने वाले शीर्ष को मिलाने पर बनता है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है, फिर सभी माध्यिकाएं जहां मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक। तो थ्योरम नंबर 2 था कि केंद्रक जो है ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, और फिर थ्योरम नंबर 3 था कि सभी माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ट्रायंगल के, जो कि आपके माध्यिकाओं से संबंधित हैं और बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आपने देखिए कि प्रश्न इससे बहुत ज्यादा बनता है, तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखिए, ये 3 थ्योरम, इसी पर बेस्ड है हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन। तब ये कह रहा है कि क्योंकि ए डी बी और ए डी सी बराबर है, तो अगर ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल के बराबर है तो इसके मतलब ये क्या होगी, ए डी माध्यिका होगी, मीडियन होगी, और यही कहा जा रहा है कि ए डी क्या है, तो ए डी मीडियन है, माध्यिका है, मध्य रेखा है। तो ए डी के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि ए डी होना क्या चाहिए, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, कोई भी एक लाइन होनी चाहिए, वर्टेक्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ए डी क्या है, एक माध्यिका है, तो माध्यिका ही त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो थ्योरम ये भी था, थ्योरम पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको मिला। नेक्स्ट है, दिए गए क्षेत्र में यदि पी क्यू आर एस एक आयत है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें अगर हम लोग देखें ये ट्रायंगल है, अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोगों को देखना है और किस तरह से जो है आपको प्रूफ करना है ए बी सी डी। तो इसमें अगर वैल्यू को अगर आप देखें, जैसे पहले तो हम लोग पी क्यू आर एस
ये बना लें। पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस ये बना लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये इसका वर्टेक्स हो गया। यहां से इसके ऊपर लंब डाल दिया, यहां से इस पर लंब डाल दिया। लंब जो पड़ा हुआ है वो आपके ए और बी पॉइंट पे है। एक एक करके हम लोग इसको चेक कर लेंगे, ए और बी पॉइंट पे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट कह रहा है एरिया ए पी एस, ए पी एस ये क्षेत्रफल, और एरिया क्यू आर बी ये बराबर है। फर्स्ट पॉइंट में ट्रायंगल ए पी एस का क्षेत्रफल बराबर है क्यू आर बी के, ये आपको प्रूफ करना है, ये देखना है कि सही है या नहीं है। सेकेंड पार्ट कह रहा है, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है जो बी पार्ट है, पी ए आर बी के बराबर है। पी ए आर बी के, ये बी पॉइंट है, पी ए बराबर आर बी के है। थर्ड पॉइंट है पी क्यू एस, पी क्यू एस क्षेत्रफल क्यू आर एस क्षेत्रफल के बराबर है। पी क्यू एस क्षेत्रफल क्यू आर एस क्षेत्रफल के बराबर है। और डी वाला ऑप्शन है ऑल द अबव, सभी जो हैं आपके ऑल दी अबव। देखिए, जब आपको किसी ऑप्शन में ऑल द अबव मिले तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि जो है तीनों सही होंगे तभी ऑल द अबव होगा। तो त्रिभुज को सॉल्व करना, इस त्रिभुज को सॉल्व करना, फिर जो है आपके दो भुजाओं को बराबर करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये तो अपने आप सॉल्व हो गया क्योंकि ये सही है। क्यों? कि कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ये अगर मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण क्या करता है, ये इसको दो भागों में विभाजित कर देता है, दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। तो वो भले ही आयत हो या कोई भी पैरेललोग्राम हो, सब में यही नियम लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों बराबर हो जाएंगे, तो पी क्यू एस क्यू आर एस के बराबर होगा, ये तो क्लियर है, ये सही है। अब देखिए, अगर ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो इसको हम हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, बीसी को आगे अगर सॉल्व करें तो हाफ बेस, बेस इसका कितना हो गया क्यू एस, और हाइट कितनी हो गई पी ए या ए पी। अगर हम क्यू आर एस को सॉल्व करें तो हाफ बेस कितना हो गया क्यू एस, और हाइट कितनी हो गई क्यू आर बी आर। तो ये ट्रायंगल है, अगर हम बेस ये लेंगे तो इसके ऊपर लंब ये हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल में बेस अगर हमने ये लिया तो इसके ऊपर लंब ये हो जाएगा। अब आप देखिए, हाफ हाफ QS QS कैंसिल, तो AP किसके बराबर आ रहा है BR के, AP बराबर BR के, B वाला भी सही है, इसी को जैसे ही सॉल्व किया आपने तो आप रहे दो सही हैं। अब आंसर दो तो नहीं हो सकते, इसके मतलब फिर D वाला ऑप्शन होगा, इसको चाहे चेक करिए चाहे ना करिए, ये अपने आप चेक हो गए ऑल द अबव। तो इन्हीं दो से आपके रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए APS जो चतुर्भुज है, अब ये भुजा जैसे H हमने माना, ये दोनों बराबर हैं, हमने अभी प्रूफ किया, ये
पहले ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर कैसे है? विकर्ण से, विकर्ण दो त्रिभुज किसी भी जो है पैरेललोग्राम को दो इक्वल जो है क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। इसी को आगे एक्सपेंड किया तो ये निकल आया। अब इसको अगर आप देखेंगे तो भी ये भी निकल आएगा। कैसे? एच वैल्यू ये बराबर है और एपीएस की बात कर रहा है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ये जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो भुजा है बेस लेंथ मान लीजिए एल, इस ट्रायंगल में भी वही एल ये है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये बराबर है। तो क्यू बी ए एस के बराबर होगा, क्योंकि दो भुजाएं अगर बराबर हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इसको देखिए, इसमें एल यहां है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, एल इसमें भी है जो कि 90 डिग्री के सामने वाली है, 90 डिग्री के सामने वाली है। एच एच के बराबर है, दो भुजाएं अगर बराबर हैं, एक 90 डिग्री कोण है, तो इसका मतलब तीसरी भुजा अपने आप क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये भी है, हाइपोटेन्यूज ये भी है, और एक भुजा बराबर कर दिया है तो दूसरी भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। तो इसलिए जब तीनों भुजाएं बराबर है तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए ए वाला भी सही है। तो ऑल द अबव जब रहे तो देखिए इजिएस्ट क्या है, वहां से शुरू करिए। कोई जरूरी नहीं कि पहले आप ए ही चेक करें, फिर बी करें, फिर सी करें। जो इजिएस्ट मेथड होता है वो देखिए कि तीनों पहले पढ़िए। इसको अभी प्रूफ करना था छोड़ दिया हमने, इसको भी प्रूफ करना था छोड़ दिया हमने। ये क्या है? ये सिंपल सा वो है कि अगर कोई आयत है, पैरेललोग्राम है, तो विकर्ण जो होता है, डायगोनल जो होता है, वो दो इक्वल हाफ में बांटता है। ये तो पहले ही पता है, इसलिए ये प्रूफ ही है। ये प्रूफ है, इसके बेसिस पे देख लिए। अब ये दोनों अगर सही होंगे, एक भी गलत होगा तो दूसरा चेक मत करिए। और दूसरा अगर मान लीजिए कि दो चीज आपका प्रूव हो गया कि ये सही है, ये सही है, तो ये भी चेक मत करिए। क्या मतलब जबरदस्ती टाइम आप वेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर दो सही हैं तो तीसरा अपने आप सही होगा और आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। तो इसलिए उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप आसानी से दो चेक करिए, दो अगर सही है ऑप्शन में तो इसका मतलब तीसरा ऑटोमेटिकली सही होगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा अपने समय को बचाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है देखिए क्यू एस आर एस वाह कोण का अर्धक है, द्विभाजक है, जो क्यू आर एंगल क्यू और आर के द्विभाजक है, क्यू एस और आर एस, और ये दोनों आ करके मिल रहे हैं। तो क्यू एस आर ये एंगल क्यू एस आर प्लस ये है पी पी बाय टू का मान कितना होगा? देखिए हम लोग ने ढेर सारे थ्योरम भी पढ़े और उसको सॉल्व भी किया है, प्रूफ भी किया है। किसी भी त्रिभुज के अंतर केंद्र का जो अर्धक होता है, थ्योरम क्या पढ़ा था? दो थ्योरम पढ़े थे हम लोग ने। एक थ्योरम पढ़ा था जैसे ए बी सी है, एक थ्योरम यह पढ़ा था अगर हम इस कोण का आंतरिक अर्धक अगर हम ले लें और आंतरिक द्विभाजक इसका भी ले लें, एंगल बाइसेक्टर, ये यहां पर ओ पर मिल रहा हो तो एंगल बी ओ सी का मान कितना हो जाएगा? बी ओ सी का मान कितना हो जाता है? 90 प्लस ए बाई टू। और इसमें क्या पढ़ा था कि ए बी सी अगर हम लें, दूसरा जो आपके थ्योरम पढ़ा था, इसमें अगर बी का बाह्य कोण का अर्धक और एंगल सी के बाह्य कोण का अर्धक, तो दोनों एक्सटर्नल एंगल्स के बाइसेक्टर अगर हम लें और ये ओ पर मिल रहे हों, तो एंगल बी ओ सी क्या होता था? तो एंगल बी ओ सी का मान जो हो जाता था वो हो जाता था ये 90 माइनस ए बाई टू। तो बाह्य कोण का अर्धक जो होता था, प्रूफ किया था दोनों को, दोनों थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ भी किए थे। तो 90 ये आंतरिक अगर अर्धक है तो 90 प्लस ए बाय टू, और बाह्य कोण का अर्धक है अगर तो 90 माइनस ए बाय टू ये होगा। इसी थ्योरम पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। ये क्या है? बाह्य कोण का अर्धक,
ये क्या है, बाह्य कोण का अर्थक दोनों मिल रहे हैं, ये कहां मिलेंगे, तो इस वैल्यू को आपको निकालना है। तो ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एस आर नाइन्टी प्लस क्यू एस आर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल पी बाय टू ये दिया हुआ है। क्यू एस आर को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये कैसे निकाल सकते हैं, ये कितना है 90 प्लस सॉरी 90 माइनस, वाह कोण है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये है 90 माइनस एंगल पी बाय टू। तो अब क्यू एस आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस पी बाय टू और प्लस पी बाय टू आगे लगाना है, तो इसकी वैल्यू ये हो गई प्लस पी बाय टू, माइनस पी बाय टू प्लस पी बाय टू कैंसिल कर दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, इसलिए इसका मान क्या होगा 90 डिग्री। तो आपको क्या निकालना था, एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल पी बाय टू, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक्स का कौन सा मान ए ओ बी को एक रिजु रेखा बनाता है, रिजु रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कैसे जो है आपके इसको, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके मतलब ये दोनों एंगल का योग क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, ए अगर यहां आ गया, बी यहां आ गया, ओ ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो कह रहा है एक्स की कौन सी वैल्यू रखें कि ये 180 के बराबर आ जाए दोनों का योग, तो इसलिए 2x प्लस 30 डिग्री ये एंगल है और ये है 2x माइनस 50 डिग्री, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 2x 2x 4x हो गया बराबर 30 माइनस 50 माइनस 20 हो गया, जो उधर जाकर के प्लस 20 हो जाएगा, तो 180 प्लस 20 200 डिग्री, 450 टाइम्स कैंसिल कर दिए, x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, तो x बराबर 50 डिग्री होगा, तो इसलिए x जो है वो 50 डिग्री, 50 डिग्री x का मान अगर हम रखेंगे तब AOB क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बस क्वेश्चन को समझना था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने रिफ्लेक्शन पे आपको बताया था, जो मिरर्स होते हैं मिरर का रिफ्लेक्शन, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो मिरर ऐसे रखे होते हैं, ये मिरर है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, तो अगर ऐसे रखे हैं तो ये पैरेलल है, बोला नहीं जाएगा, और अगर ऐसे रखे हैं तो मिरर जो होगा ये हमेशा 90 डिग्री पर होगा, ये भी नहीं बोला जाएगा, तो ये 90 डिग्री वाला केस है। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी सरफेस पर अगर कोई आपतित किरण आती है, इंसिडेंट रे, तो जिस सरफेस पे आएगी, इस सरफेस के इस पॉइंट पर, इस सरफेस के लंबवत एक अभिलंब बनेगा, नॉर्मल, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में यहां पर कोण जो बनता है, एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतित कोण बनाती है, इंसिडेंट एंगल बनाती है। रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है कि जितने कोण पर कोई भी जो है आपके एक तरह से रे आएगी, उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है इसलिए अभिलंब से ये कोण जो बनता है इसको आर कहते हैं, और आई आर के बराबर होता है, यही रिफ्लेक्शन का नियम है कि आई बराबर आर के, तो इसी कॉन्सेप्ट पर आपके ये क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इसको बनाते हैं,
देखिए ये एंगल 30 दिया है, ये पूरा मिरर है, ये मिरर है और ये एक्स निकालना है आपको। तो मिरर में अभी हमने क्या बताया, रिफ्लेक्शन का नियम लगा दीजिए क्योंकि ये 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री यहां पे बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का मान कितना निकला, ये क्योंकि 90 है तो ये 60 डिग्री निकलेगा, 60 पे आया है तो 60 पे जाएगा, 60 ये हो गया। 60 अगर ये है तो चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए एंगल, ये ऐसे निकाल लीजिए कि ये भी 90 है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 ये 90 ये, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर 60 ये है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 30 हो जाएगा। तो ये जो किरण आ रही है ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो 30 डिग्री पे आई है, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस 30 से ये 60 आ गया क्योंकि ये 90 है, ये 60 से ये 60 आ गया क्योंकि जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी, इस 60 से ये 30 आ जाएगा क्योंकि ये 90 है, 30 ये 90 ये, तो 60 डिग्री ये हो जाएगा, 90 डिग्री ये है तो 60 ये है तो 30 ये हो जाएगा, और जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर वापस लौटती है, तो इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 30 डिग्री। तो ए वाला जो है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए डी सी, एंगल ए डी सी का मान आपको निकालना है क्या होगा, तो इसका डायग्राम पहले बना लें। ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसमें से ये कह रहा है 90 है, ये 60 दिया जा रहा है, ये 60 है, ये एंगल और ये एंगल भी 90 है, ये एंगल और ये एंगल भी 90 है। अब जो वैल्यू आपको निकालनी है वो निकालनी है ए डी सी, ए डी सी ये एंगल निकालना है, तो ए डी सी जो है आपको कैलकुलेट करना है। थीटा मान लीजिए ए डी सी, अब देखिए आसानी से निकाल सकते हैं इसको, जब ये दिया है ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल निकाल लें, अगर हम इसको ई बना दें तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए ए डी सी ई ये चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों जो कोण होंगे वो क्या होंगे, 360 डिग्री, तो थीटा प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 बराबर 360 के, तो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई में, तो थीटा प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 बराबर 360 के। अब देख लीजिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 90 180 और 120 300 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये जो है आपके इसका सोल्यूशन हो जाता है, तो 60 डिग्री आंसर होगा। देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस ये है कि जो आपने क्वेश्चंस को पढ़े हैं या जो भी आपने पढ़ा है उसको बस दिमाग में रखे रहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन निकलेगा, इजली जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट सब वही लगते हैं, सिर्फ आपको समझना होता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। अब है कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 1/5 है,
देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्बली जो है आपके होते हैं, इन सब क्वेश्चनों को आप दिमाग से ही सॉल्व कर सकते हैं, बस चीजों का पहचान होना चाहिए। अक्सर पूरक कोण और समपूरक कोण की बात होती है। पूरक कोण के मतलब होता है जब किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लीजिए एक कोण हमने थीटा ले लिया, तो ये दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है ही है, तो ये 90 वाला थीटा हो जाएगा। इसके मतलब दो कोण जिसका योग 90 डिग्री आ रहा हो, तो ये तो 90 है ही है, बाकी इन दोनों का मिला करके 90 डिग्री है, तो ये कोण आपस में क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ये कोण ऐसे हैं जो पूरक कोण के रूप में जाने जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक अगर एंगल हम थीटा मानते हैं तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो पूरक कोण में क्या होता है, पूरक कोण में दोनों कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो इसलिए जब भी पूरक कोण की बात आएगी, एक कोण और उसका पूरक कोण, एक कोण और उसका पूरक कोण, कोण आप क्या मानेंगे, थीटा, और पूरा कोण क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा। उसी तरह अक्सर संपूरक कोण आते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये ट्रायंगल पर बेस नहीं बल्कि लाइन पर होते हैं। अगर कोई एंगल, अगर हमने कहा अगर ये थीटा है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। इसके मतलब दोनों एंगल मिल करके एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब टोटल एंगल कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो इनको समपूरक कोण कहेंगे। तो अगर हम कहेंगे कि ये कोण है थीटा, तो इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है ना। तो जब भी अब ये प्रश्न आएंगे तो हम लोग बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट सिर्फ रखेंगे, जैसे ही कहेगा पूरक कोण, किसी कोण का पूरक कोण, तो कोण ये हो गया, पूरक कोण ये हो गया, अब बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये? इसके मतलब कि अदर देन 90 डिग्री जो दो एंगल बचे हुए हैं उनका योग जो होता है वो जो है आपके इन दोनों, ये दोनों कोण जो होंगे ये आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे। पूरक होने का मतलब दोनों का योग 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री में दोनों का योग जो है आपके 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे देखिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो कभी भी अब प्रश्न आएगा पूरक कोण या समपूरक कोण का, तो कहेगा कोण और अपना पूरक कोण, तो कोण ये हो जाएगा, इसका पूरक कोण ये हो जाएगा। तो अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, एक बार समझ लीजिए। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए प्रश्न में आता है कि कोण और उसका संपूरक कोण, तो कोण हम ये मानेंगे, संपूरक कोण ये मान लेंगे। अब आइए अपने क्वेश्चन पे, इसको समझने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 1/5 है। तो कौन सा कोण, थीटा की वैल्यू निकालना है, अपने पूरक कोण का, पूरक कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। तो जो कोण है ये अपने पूरक कोण का 1/5 भाग है। देख रहे हैं कितना आसान हो गया, बस ये समझना है आपको कि कौन सा एंगल ऐसा है जो अपने पूरक कोण का 1/5 भाग है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 5 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, थीटा इधर आ जाएगा, हो जाएगा 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। 6 से 90 को डिवाइड कर दीजिए, थीटा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इसलिए जो आपके एक तरह से एंगल है, कौन सा कोण कह रहा है, तो कोण 15 डिग्री हो गया। तो 15 डिग्री अगर कोण है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो इसका पूरा कोण कितना हुआ, 75। देखिए 75 का 1/5 भाग है ये कोण, 75 का 1/5 भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए 75 का जब हम 1/5 भाग करते हैं तो ये आ जाता है। तो ये कोण क्या हुआ, अपने पूरक कोण का 1/5 भाग है, 1/5 पार्ट आपके होता है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण से 2 गुना है, तो भुजाओं की संख्या होगी। तो अब देखिए जैसे हम लोग ने फॉर्मूला फिर से हम लोग रिकॉल कर लें, तो ईच इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता था, 2n-4 × 90/n। अब
प्रत्येक बाह्य कोण ईच एक्सटीरियर एंगल अगर हमने कहा तो ये क्या हो जाएगा 360 अपॉन एन। इन्हीं दोनों जो है आपके आंतरिक और बाह्य कोण के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को कहा जा रहा है। कह रहा है बाह्य कोण जो है 360 अपॉन एन ये दो गुना है किसका 2n-4 × 90/n का। तो यही चीज जो है अब हम लोग यहां पर रख दें। तो कह रहा है किसी एक रेगुलर पॉलीगन में बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब 360 अपॉन एन ये दो गुना है किसी आंतरिक कोण के। एन एन कैंसिल कर दीजिए 90, 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए 2, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो इसलिए 2 बराबर 2n-4 इसलिए 2n बराबर 6 के हो जाएगा, n बराबर 3 के हो जाएगा। इसके मतलब वो क्या होता है वो त्रिभुज में होगा जो कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता ही है कि ये अगर 60 डिग्री का है ये सब 60-60 डिग्री के कोण होते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो बाहर का कोण क्या होता है 120 डिग्री होगा। तो जो बाह्य कोण है ये दो गुना है इसका 2 टाइम्स है तो इसलिए 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब है तो एंगल सी किसके बराबर होगा। देखिए इसमें भी जो क्वेश्चन है वो एक तरह से आप देखेंगे कि पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे कॉन्सेप्ट बनता है ये समझ लीजिए। जैसे समद्विबाहु समलंब अगर हम कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज ले लें आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लें, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ए बी बराबर ए सी के हो, अब बी सी के पैरेलल कोई भी अगर रेखा खींच देंगे क्योंकि जब तक ये ट्रायंगल था अभी इसे हटा दिए तो जब तक ये एंगल इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर है तो इसलिए ये कोण क्या हो जाएगा ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हमने BC के पैरेलल कोई एक लाइन खींच दी जो कि D और E हो गई कहीं पर भी खींच दीजिए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसमें जब पैरेलल लाइन आप खींचेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहेगी, इसके मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर रहेगी। अब कोण भी वही बना रहेगा जो समद्विबाहु त्रिभुज में था तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे ये जो पोर्शन होगा डी ई बी सी, तो डी ई सी बी जो आपके ये पोर्शन है इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा समद्विबाहु, दोनों भुजाएं जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो बराबर हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज क्यों है ट्रेपीजियम क्यों है क्योंकि अपोजिट साइड्स जो आपके एक साइड जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपके पैरेलल होती हैं बाकी दो जो है आपके साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं ये पैरेलल नहीं होती। तो अगर ऐसा डायग्राम बनता है ट्रेपीजियम कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है इस कंडीशन में ये और ये कोण सदैव क्या होते हैं बराबर होते हैं क्यों क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनाया गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप लगाइए उसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको डिफाइन ना करे ऐसे तो देखिए जैसे मान ली हमने ये बनाया इसका नामकरण हम कर दें ए बी सी डी या इसका नामकरण हम कर दें ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं या हम कर दें जो है आपके ए बी सी डी। तो अगर हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि कन्वेंशन क्या लिया जाता है। आपका डायग्राम नहीं दिया गया है बनाना है आपको जब भी बनाना है तो हमेशा ध्यान रखिए स्टार्टिंग आप यहां से करेंगे लेफ्ट टॉप कॉर्नर से और एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम को बनाया जाता है। ए बी सी डी कह रहा है तो ए बी सी डी ये रहता है। तो अगर डायग्राम नहीं दिया है तो
कन्वेंशन कहता है कि डायग्राम आप ऐसे ही बनाइए, जबकि डायग्राम कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी बना रहता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी बना रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके डायग्राम्स पर, लेकिन आपसे बनाने को कहा जाए तो आप हमेशा कन्वेंशन ये यूज करिएगा, क्योंकि हमेशा यही नियम लिया जाता है। टॉप कॉर्नर से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जो है आपकी शुरुआत की जाती है और एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है इसको। तो कोई हार्ड एंड फास्ट इसका नियम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो आपके ट्रेडिशन है वो यही है और इसी जो है पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अब अगर हम ये कहें इस क्वेश्चन पे, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम सम द्विबाहु समलंब। समलंब होने का मतलब क्या हुआ? ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल भुजा है। सम द्विबाहु या आइसोसेलेस के मतलब क्या हुआ? ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और आइसोसेलेस है इसके मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल से बनाया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से बनाया गया है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ए बी सी डी में क्या होगा, तो शुरुआत हम कहां से करेंगे? अब हमें तो पता नहीं है कि डायग्राम क्या है, तो ए बी सी डी ऐसे करें, तो एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन लेकर के चल रहे हैं। अब पूछ रहा है कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है, तो सी किसके बराबर है? बी के बराबर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एंगल बी। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस तरह के कन्वेंशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि पुराने ट्रेडिशन पे चल रहे हैं, तो ये जो है आपके एक तरह से ट्रेडिशनल क्वेश्चन कहलाते हैं, जिनमें आपको हमेशा जो नामकरण है वो लेफ्ट जो है आपके टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको लेकर के चलते हैं, तभी जो है हम लोगों का जो है ये सॉल्यूशन निकलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति है और इसमें आपको रिलेशन बनाना है, क्योंकि चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं गया है, देन तो करके छोड़ दिया गया है, तो इसमें जो है आपके क्योंकि तो करके छोड़ दिया गया है, इसलिए आप देखेंगे ये जो है आपके रिलेशन एम और एन के बीच में फॉर्म करना है। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग इसको फॉर्म करेंगे। N और M ये दिया हुआ है, ये N है, N डिग्री, ये M डिग्री, N M में आपको रिलेशन निकालना है। एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर किसी जीवा से केंद्र पर अगर हम कोण डालते हैं और परिधि पर कोण डालते हैं, तो इसमें क्या रिलेशन होता है? अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर लगाएं। तो अगर आप बीसी जीवा से केंद्र पर कोण डाल रहे हैं और परिधि पर डाल रहे हैं, तो परिधि पे जो कोण है उसका 2 गुना कर दीजिए, तो ये क्या कोण हो जाएगा? ये वाला। तो ये n है तो ये कितना हो जाएगा? 2n। और ओसी ओबी त्रिज्या है, रेडियस है सर्कल की, क्योंकि रेडियस है तो इसके सामने का ये एंगल इसके सामने के इस एंगल के बराबर होगा, तो ये m है तो ये भी m हो जाएगा। अब तीनों का टोटल सम, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, तो इसलिए m प्लस m प्लस 2n बराबर 180 के होगा। तो m प्लस 2n बराबर 180 के, इसलिए m प्लस m 2m हो जाएगा, 2m प्लस 2n, जिसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो m प्लस n बराबर 180 के, और 2 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? m प्लस n बराबर 90 डिग्री। और यही आपको रिलेशन निकालना था कि m और n का रिलेशन क्या है, तो m प्लस n बराबर 90 डिग्री। तो इसमें आंसर देख लें, m प्लस n बराबर 90 डिग्री, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। m n का रिलेशन भी निकल आएगा
और mn की वैल्यू जो है हम लोग यहां पर रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी गई आकृति में QSR का मान निकालना है। QSR ये है, ये वैल्यू जो आपके निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे या किस तरह से निकाला जाए, बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। सर्कल है, इसके दो टेंजेंट्स हैं जो जा रहे हैं किसी पॉइंट पर मिलेंगे। ये टेंजेंशियल पॉइंट है, टेंजेंशियल पॉइंट ये है, टेंजेंशियल पॉइंट ये है। इसमें Q और R पे है, तो P Q R S T, P Q R S को यहां बिंदु है, इसको ज्वाइन किया गया है, इसको ज्वाइन किया गया है, और टी इधर कोई एंगल है, ये एंगल 50 डिग्री दिया है, टी इधर कोई एंगल है 50 डिग्री ये दिया हुआ है। O जो है इसका केंद्र है। अब देखिए जो आपको निकालना है, सॉरी 50 डिग्री है, QSR आपको निकालना है, QSR की वैल्यू निकालना है, जबकि ये 50 डिग्री है, ये एंगल जो है आपके 50 डिग्री है, ये है 50 डिग्री। अब इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर की वैल्यू निकालना, ये वैल्यू कितनी होगी ये वाली। अब देखिए इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये सब डायग्राम इस तरह से दिया गया है। ओ से ज्वाइन करने पर ये टेंजेंट है इसलिए 90 डिग्री होगा, त्रिज्या को टेंजेंट पर ये भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल निकालना है। तो इस चतुर्भुज में अगर आप देखेंगे तो इस चतुर्भुज में ये 90 है, ये 50 है, ये 90 है, ये निकालना है। और ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का दो गुना होगा, टू टाइम्स, क्योंकि क्यू आर जीवा से परिधि पर डाला गया कोण और केंद्र पर डाला गया कोण, यहां से अगर हम ये बना लें ये, तो इस पे डाला गया कोण, इस पे डाला गया कोण। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये कोण क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो अगर हम जो है इस कोण को निकालना चाहते हैं, इसको थीटा माना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। तो क्यू आर जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण डबल होता है परिधि पर डाले गए कोण की तुलना में। तो अब ये टू थीटा है, टू थीटा, 90, 90, 50, ये जो है आपके कोण होता है। तो अब यहां पे 2 थीटा प्लस 90 प्लस 50 प्लस 90 बराबर 360 कर दिए। ओरली करना है, दिमाग से अगर ओरल करना चाहे तो कर सकते हैं आप, कैसे, 360 में से 90 90, 180 निकाल दिए, 180 बचा, 180 में से ये है आपके 50 निकाल दीजिए तो 130 बचा, इसके मतलब ये मान 130 हुआ, 130 का आधा कर दिए तो 65 डिग्री आंसर हो गया, डायरेक्ट निकल आएगा। फिर समझ लीजिए इन चारों का योग 360 है, 360 में से 90 90 180 निकाल दिया, तो 360 माइनस 180 और 180 बचा, 180 में 50 निकाल दिया, 130 बचा, वही 130 इसका मान हो गया 2 थीटा का। और 130 अगर मान हो गया है तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा आधा, 65 डिग्री आंसर है। और चाहे तो आप करके देख लीजिए, 2 थीटा प्लस 90 प्लस 50 प्लस 90 बराबर 360 के, इसलिए 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा आपके 90 90 180 इधर ले आई तो 180 माइनस 50 130 के, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 65 डिग्री, इसलिए 65 डिग्री आपका आंसर होगा, यही निकालना था ये वाला है।
इसलिए इसका आंसर क्या है 65, ए वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थ्योरम हम लोग ने पढ़ा था, देखिए किस थ्योरम पर बेस्ड है। एक थ्योरम हम लोग ने पढ़ा था कि अगर दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर कट कर रही हैं, चाहे अंदर ही कट कर दें चाहे बाहर कट करें, ए बी सी डी, अगर अंदर नहीं कट कर रही तो आगे बढ़ाने पर बाहर कट करेगी। तो चाहे दो जीवाएं वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को कट कर लें या एक्सटेंड करने पर बाहर कट करें, तो इसमें दो थ्योरम हमने आपको क्या बताया था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, वही चीज यहां भी है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, दोनों के लिए थ्योरम एक है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। इसी थ्योरम पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बनाए हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अब देखिए यही थ्योरम यहां लग रहा है, ये इसके साथ कैंसिल जो है आपके कट रहा है, पी बिंदु पे कट रहा है, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। तो अब यहां पर देखें तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये थ्योरम है। पी ए लेंथ 2 दिया हुआ है, ये 2 है, पी बी लेंथ 6 दिया हुआ है, पी सी लेंथ 3 दिया हुआ है, अब पी डी लेंथ एक्स दिया है, एक्स आपको फाइंड आउट करना है। इसी में से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा एक्स की वैल्यू, और यही आपको निकालना था। तो अगर थ्योरम पता है तो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, इजिली आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे क्योंकि सिंपल थ्योरम पर बेस्ड है। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, दो जीवाएं एक दूसरे को आंतरिक रूप से कट करें या बाह्य रूप से कट करें, दोनों ही कंडीशन में जो है आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत यूज होते हैं, इसलिए हमने और आपको जो है एक्सपेंड करके बता दिया कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, चाहे यहां पर देखिए चाहे पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये जो है आपके इसका सोल्यूशन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए दूसरा वाला थ्योरम आ गया, ये वाला, इसमें भी यही थ्योरम लगेगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब इस थ्योरम पर क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन इस थ्योरम पर था, अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया, दोनों के लिए थ्योरम सेम है। इसके लिए भी जैसे देखिए ए बी और सी डी ये दो हैं, इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया गया, पी पर मिल रहे हैं, इसलिए पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी हो जाएगा। तो पी पॉइंट है, तो ए बी ये है, सी डी ये है, पी ए की लेंथ ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, और ये x दिया हुआ है cd। इसमें थ्योरम यही लगा दीजिए, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, अब आ जाइए पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। इसमें अगर हम लोग देखें तो पी ए की लेंथ कितनी है, दैट इज 3, पीबी की लेंथ कितनी है, पीबी की लेंथ कितनी है 3 प्लस 5, क्योंकि यहां से यहां तक लेना होगा, ये हो गया 3 प्लस 5, पीसी की लेंथ कितनी है दैट इज 2, और पीडी की लेंथ कितनी है 2 प्लस एक्स। अब देख लीजिए तो 3 इंटू 8 बराबर 2 इंटू 2 प्लस एक्स,
टू से फोर टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो टू प्लस एक्स बराबर 12 के हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर 10 के हो जाएगा। 4 3 12 ये है, 12 बराबर 2 प्लस एक्स के हैं, 2 इधर लाएंगे 12 माइनस 2 तो 10 हो जाएगा, इसलिए सी डी की लेंथ कितनी है, दैट इज 10, ये 10 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फिफ्टीन था, देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है तथा पी क्यू आर स्पर्श बिंदु है, पी क्यू आर स्पर्श बिंदु है, यदि पी ए पी ए पी से ए तक ये 4 सेंटीमीटर है, पी बी ये 6 सेंटीमीटर है, फिर इसी तरह से ए सी यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, तो आपको बी सी की लेंथ निकालना है। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दें, हो सकता है आपको क्लियर ना हो। ये पॉइंट्स हैं जहां पर ये टच कर रहे हैं, पी क्यू आर, ए बी सी ये है, पी क्यू आर ये है, पी बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, 6 और 4, ये है 6 यहां से आता है, ये है 4 सेंटीमीटर, तो एपी की लेंथ 4 है, पीबी की लेंथ 6 है। उसके अलावा एसी की लेंथ 12 दी है, पीए 4 दिया है, पीबी 6 दिया है, एसी 12 दिया हुआ है, एसी की लेंथ 12 है, ये है। अब देखिए ये किस थ्योरम पर बेस्ड होता है, अगर आप थ्योरम ध्यान करें तो देखिए ओरली आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, बीसी की लेंथ आपको निकालनी है। किसी एक बिंदु से, वाह बिंदु से अगर हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाते हैं, मान लीजिए ए और बी पॉइंट पर ये स्पर्श रेखाएं बनी, तो ऐसी कंडीशन में पी ए की लेंथ पी बी की लेंथ के बराबर हो जाती है, पी ए बराबर पी बी के होता है, थ्योरम आप पढ़ चुके हैं इसको। किसी बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी वृत्त पर, किसी सर्कल पर बनाए गए टेंजेंट्स की लेंथ, स्पर्श रेखाओं की जो आपकी लंबाइयां हैं वो दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर ये पूरा क्वेश्चन बनाया जाता है। अब देखिए एक एक करके देखें, जैसे ए पॉइंट से, ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, स्पर्श रेखा बनाई जा रही है, तो ए पी ए आर के बराबर होगा, ए पी ए आर के बराबर होगा, ए पी की लेंथ क्योंकि 4 दिया है तो इसलिए ये भी 4 हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से बी पी बी पॉइंट से ये स्पर्श रेखा बनी, तो बी क्यू BP और BQ बराबर है, BP BQ बराबर है, तो BP की लेंथ आपको दे रखा है तो BQ भी पता चल गया, इसका मतलब ये भी 6 है, तो इसलिए 6 सेंटीमीटर ये है वाह बिंदु से। अब यहां से यहां तक ये लेंथ जब AP AQ R के बराबर है, यहां से यहां तक 4 है, जबकि टोटल ये 12 है, तो ए आर अगर 4 है तो आर सी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो आर सी लेंथ कैसे निकाला या सी आर लेंथ कैसे निकाला, तो ये क्या हो जाएगा आपके ए सी माइनस ए आर, जो कि कितना है,
12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, और सी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा देखें तो सी आर सी क्यू बराबर है, सी आर सी क्यू बराबर, तो सी आर सी क्यू बराबर है जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, देख रहे हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हम लिख के हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, सीधे सीधे सिंपल, ए से यहां तक पी 4 दिया है तो ये भी 4 हो जाएगा, बी से पी तक 6 दिया है तो बी से क्यू तक भी 6 हो जाएगा, दोनों लेंथ टेंजेंट्स की बराबर है। अब ए से सी तक की लेंथ 12 दिया था, ए से आर तक 4 निकल आई, तो 12 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो आर सी की लेंथ कितनी आ गई, 8, 8 सेंटीमीटर हो गई। तो सी से आर तक अगर 8 है तो सी से क्यू तक भी क्या होगी, 8 ही सेंटीमीटर होगी, और हमें निकालना क्या था, बी सी की लेंथ, ये निकालना था, तो 6 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है, तो 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं। इस तरह से हम आसानी से आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ओरली अगर हम देखें, ये 4 है, ये भी 4 हो गया, ऐसे यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये 6 दे रहा है तो इधर भी 6 हो गया, ये 12 था, 4 ये निकल गया, तो 8 ये हुआ तो 8 ये हो गया, 8 6 14 डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ नहीं लिखना है, लिखना लिखना नहीं है, यहां सिर्फ समझना है डायग्राम में, तो जैसे ही डायग्राम दिया जाएगा वहीं पे आपके कैलकुलेशन हो जाएगा। ए पॉइंट है, ए पॉइंट से 4 इधर 4 इधर, बी पॉइंट है 6 अगर इधर 6 इधर हो गया, और सी पॉइंट से यहां 8 है तो इधर भी 8 हो जाएगा। अब बी सी कह रहा है तो 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आपके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफी हद तक पूछे जाते हैं, अभी आप देखेंगे और भी क्वेश्चन इस पे स्पर्श रेखाओं पर बनते हैं, और ये स्पर्श रेखाओं पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, सिंपली क्या है, किस पर बेस्ड थे, सिर्फ एक छोटे से थ्योरम पर। थ्योरम क्या था फिर से देख लीजिए, किसी बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखाएं बनाएं, क्योंकि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा दो हो सकती हैं जो किसी बाह्य बिंदु से बनाई जा सकती है, तो इनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, ये भी हम लोगों ने प्रूफ किया था, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमने आपको बताया था कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या हो जाता है, पी ए किसके बराबर हो जाता है, पी बी के बराबर हो जाता है, तो पी ए और पी बी इसीलिए बराबर हो रहा है, वजह क्या है, क्योंकि आपके ये सर्वांगसम त्रिभुज है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं आपके इस तरह से जो है आपके पाए जाते हैं, तो इसलिए पी ए पी बी के बराबर है। इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे बनाया गया, ए से दोनों जो है आपके स्पर्श रेखा बना लीजिए, बी से बना लीजिए और सी से स्पर्श रेखा बना लीजिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं फटाफट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 4 इधर है 4 इधर बनाया, 6 इधर है 6 इधर बना दिया, टोटल 12 दिया था, 12 में से 4 निकालिए, 8 ही आया, 8 ही आया, 8 ही बना दिए, 4 6 प्लस 8 मिलकर के क्या हो गया, दैट इज 14, तो 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।